गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन अगला लेसन पढ़ेंगे परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार। अब आपको पता ही है कि परिवहन और संचार के साधनों के द्वारा अपन को कितनी सुविधाएं हो रही हैं, कौन कौन से अपने परिवहन के साधन हैं इस चीज का, और कौन कौन से संचार के साधन हैं। संचार के साधनों के द्वारा अपना जीवन कितना सरल हो गया है, इन सब चीजों का अध्ययन अपन करेंगे कि परिवहन के साधनों का विकास किस प्रकार से हो रहा है, किन किन क्षेत्रों अधिक हो रहा है, किन क्षेत्रों में कम हो रहा है। अब है देखो, परिवहन एवं संचार के साधन में देखो, हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं तथा कुछ हमने की आवश्यकताएं दूसरे स्थानों से प्राप्त कर पूरी की जाती हैं। कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग वाले स्थानों तक पहुंचाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन की आवश्यकता या परिवहन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु या व्यक्ति को पहुँचाने की व्यवस्था ही परिवहन है। आगे समझ में, परिवहन क्या होता है, परिवहन में कोई भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की जो साधन होता है वो परिवहन का साधन होता है। ठीक है, और देखो 1991 में उदारीकरण के बाद पूंजी एवं प्रौद्योगिकी निवेश की बाढ़ आ जाने से परिवहन के साधनों का तीव्र विकास हुआ है। अब देखो, पूंजी एवं प्रौद्योगिकी के निवेश के बाद विभिन्न, इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से अपना विकास हो रहा है, विकास का मतलब है कि अपन हर चीज में औद्योगिकरण में विकास कर रहे हैं, किसी भी खनिज पदार्थों का अधिक से अधिक वो औद्योगिकरण कर रहे हैं, या कोई जितनी वस्तुएं अधिक आवागमन के साधनों के द्वारा यह परिवहन के साधनों के द्वारा यह अधिक बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जितना माल अपन तैयार करते हैं वो जितना सारा उपयोग तो अपने होता नहीं, अपन को दूसरे शहर में पहुंचाना पड़ता है, दूसरे देश में पहुंचाना पड़ता है, तो वो किसके द्वारा होता है, यह संभव परिवहन के साधनों के द्वारा। अब देखो, आर्थिक विकास के आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधारभूत संरचना में जो क्षेत्र समृद्ध होते हैं, समृद्ध का मतलब है जिन क्षेत्रों में कोई भी चीज, जैसे कृषि अधिक काम की जाती है मैदानी क्षेत्र में, तो मैदानी क्षेत्र में कृषि की जाती है तो वो सारा ही उपभोग वहाँ जहाँ पैदा करते हैं वहाँ तो करते नहीं है, तो उसको दूसरे देशों के, दूसरे राज्यों के पास जहाँ उसकी जरूरत होती है, जैसे गेहूँ उत्पादन में यूपी सबसे अधिक गेहूँ का उत्पादन करता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में गेहूँ का उत्पादन कम होता है वहाँ पर वो पहुँचा दिया जाता है गेहूँ, तो वो किसके द्वारा पहुँचाया जाता है, परिवहन के साधनों के द्वारा। उनमें विकास की गति तीव्र होती है। आधारभूत संरचना को दो भागों में विभाजित किया जाता है। आधारभूत ढांचागत संरचना है, इसमें परिवहन विद्युत संचार को सम्मिलित किया जाता है। आधारभूत संरचना का दूसरा भाग आधारभूत सामाजिक संरचना है। एक तो ढांचागत की, इसमें परिवहन विद्युत संचार को शामिल किया जाता है, और दूसरा है इसमें प्रमुख रूप से मानव संसाधन विकास को शामिल किया जाता है। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक क्षेत्र तक सीमित थी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि होने से विश्व में प्रत्येक कोने कोने पर पहुंचना संभव हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है, इसलिए परिवहन संचार एवं व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। अभी देखो, इसमें यह बताया गया है कि जो क्षेत्र जिस चीज के उत्पादन में अधिक समृद्ध है, या इसके दो कारक बताए, एक तो आधारभूत ढांचागत व्यवस्था और दूसरा है मानव संसाधन से जोड़ा गया है कि मानव के द्वारा जो निर्मित की, जैसे अब खान है, या जैसे अपने यहाँ राजस्थान में समझ लो आप, जैसे मकराना में ये वाइट पत्थर मिलता है मार्बल, तो अब वाइट पत्थर को, जैसे पत्थर तो खान में से निकाला जाता है या पहाड़ में से उसको तोड़ के निकाला जाता है, लेकिन उसकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। अब मूर्तिकला कहाँ की फेमस है, जयपुर की, जयपुर जोधपुर में मूर्ति लिए ज्यादा बनाए जाते हैं, जयपुर की सबसे ज्यादा मूर्तिकला प्रसिद्ध है, तो अब वहां के जो मिस्त्री हैं अब अपनी कला को पहुंचाने के लिए दूसरे क्षेत्रों में, मूर्ति तो वहीं बनाएंगे वो लोग,
मूर्ति उत्पादन कर रहे हैं वो लोग, लेकिन उसको दूसरे जैसे अपने यहाँ महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कहीं भी दूसरी जगह जो पहुंचानी है मूर्ति, तो वो किसके द्वारा पहुंचाई जाएगी? परिवहन के द्वारा। अब परिवहन के द्वारा तो वो चीज वहां दूसरी जगह पहुंचाई जाएगी, लेकिन उनको प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया जाएगा? उसका संचार के साधनों के द्वारा, ठीक है ना। जैसे आजकल चल रहा है सब कुछ ऑनलाइन, आपके पास कोई भी उत्पाद में आप पर के मतलब पारंगत हो, उसमें मिस्त्री हो कोई भी चीज के, तो आप व्हाट्सएप पे डाल दो, फेसबुक पे डाल दो, ऑनलाइन आप अपनी ऐप बना के डाल दो कि इस चीज की रिक्वायरमेंट अगर हो तो आप इन नंबरों पे कॉन्टेक्ट करो, तो वो किसके द्वारा संभव होगा? वो संचार के साथ, संचार के साधन के द्वारा प्रचार प्रसार होगा ना। आप जैसे चाहे आप गांव में ही हो, लेकिन जब आपके पास फोन आएगा तो शहर से भी फोन आएगा, तो आप शहर में जाके उस चीज को, जैसे आप बिजली के मिस्त्री हो तो बिजली की रिपेयरिंग करनी है, कोई खराब हो गई बिजली या कुछ भी जैसे ठीक करना है बिजली से संबंधित, तो आपके पास फोन करेंगे, फोन नंबर आपके दे दोगे तो फोन करते ही आप वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा अब संचार के साधन से देखो कितना ईजी हो गया। नहीं तो पहले क्या करते हैं लोग, जिनके पास से दुकान खोले जो बैठे हैं उन्हीं के पास जाते हैं और उन्हीं से वो ठीक करवाते थे, ठीक है ना। लेकिन अब परिवहन और संचार के साधनों के द्वारा ये चीजें सुलभ हो गई हैं। इनमें आप घर बैठे बैठे भी कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, या आप जैसे अब मैंने बताया ना किसी भी चीज़ के आप कारीगर हो, मिस्त्री हो, तो आपके पास फोन करेंगे तो आपके पास अगर परिवहन का कोई भी साधन है, व्हीकल है, जैसे आपके पास मोटरसाइकिल है, तो 10-15-20 किलोमीटर तक आप मोटरसाइकिल पे आसानी से जा सकते हो। तो इससे ये है कि आपको बिना लागत लगाए परिवहन के संचार के साधनों के द्वारा आप उस चीज में फायदा ले सकते हो, ठीक है। अब है आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषा तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार में सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। किस साधनों के द्वारा? परिवहन और संचार के साधनों के द्वारा ही जुड़ा हुआ है। जैसे अब देखो, जब तक पुराने जमाने में प्राचीन काल में आपने पढ़ा होगा कि पहले जब ये परिवहन के साधनों का इतना विकास नहीं था और संचार के साधन तो थे ही नहीं इतने ज्यादा, तो अगर को पता ही नहीं चलता था, शहरों में जीवन शहरों में ही जाना ही लगता था, वाह ये तो लोग शहर से आए हैं, इनका पता नहीं लाइफ स्टाइल क्या होगा, क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे, क्या करते होंगे, शहरों के लोग तो बहुत बड़े और बहुत ही रईस होते हैं, अपन यही तो सोचते थे पहले। लेकिन अब संचार के साधन और परिवहन के साधनों का विकास हो गया, हर आदमी शहर में आता है, संचार के साधनों के द्वारा वो चाहे आप यहाँ बैठे हो, अब अमेरिका की जानकारी लेनी है कि अमेरिका में किस प्रकार का जीवन यापन किया जाता है, आपके पास अनेक पिक्चर आ जाएंगे, अनेक वीडियो आ जाएंगे, उनको देख के आप आइडिया लगा सकते हो घरों का आकार कैसा होता है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ पर व्यवसाय किस प्रकार के कर सकते हैं लोग, किस प्रकार की जीवन शैली जीते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। लेकिन जब तक इन साधनों का विकास नहीं था तब तक कुछ भी पता नहीं लगता था लोगों को। परिवहन, समाचार पत्र, सड़क, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि, इसमें सामाजिक आर्थिक विकास के अनेक प्रकार से सहायक हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास इन परिवहन और संचार के साधनों के द्वारा। परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है और जल परिवहन। संचार के साधन कौन कौन से हैं? समाचार पत्र है, रेडियो, टेलीविजन, दूरदर्शन, सॉरी ये टीवी, इसके आगे आगे आता है ये इंटरनेट की सुविधा होने से आप सबकी जानकारी पूरे विश्व में कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो सामाजिक और आर्थिक विकास इन्हीं साधनों के द्वारा ही हुआ है। परिवहन में संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है, जिससे हमारा जीवन साधन में सुविधापूर्ण हो गया है। अब देखो, अर्थव्यवस्था में जीवन शक्ति दी है, इसका क्या मतलब हुआ कि देखो जैसे अमेरिका में टेक्नोलॉजी या जापान की टेक्नोलॉजी हाई है, तो जापान की टेक्नोलॉजी हाई है तो उस वो जो जापान टेक्नोलॉजी बना रहा है उसका उपयोग अपन भी कर रहे हैं। किस प्रकार से?
जैसे अपने कुछ जैसे अपने लिए जो सामान है, कई कंपनियां ऐसी हैं जो जापान की, लेकिन अब संचार के साधन और परिवहन के साधनों का विकास हो गया तो उस टेक्नोलॉजी को अपने भारत में भी जितनी आवश्यकता होती है उतनी आवश्यकता के अनुसार अपन उसको मंगवा सकते हैं कोई भी वस्तु को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपना जीवन सुलभ हो गया है परिवहन और संचार के साधनों के द्वारा। अब आगे है आधारभूत संरचना के अभाव के कारण राजस्थान राज्य विकास को की दृष्टि से अग्रणी के राज्यों में शामिल नहीं है। जैसे जैसे राजस्थान में आधारभूत संरचना की स्थिति सुधर रही है वैसे वैसे राज्य का आर्थिक विकास तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आधुनिक परिवहन में संचार के साधन हमारे देश में राज्य की आधुनिक अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु है, अतः यह स्पष्ट है कि सामान्य में सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्ण अपेक्षित है। अब है परिवहन। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं देखो, परिवहन ये तो थे संचार और परिवहन का आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि इनके द्वारा अपना जीवन कितना सरल हो गया है। टेक्नोलॉजी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं अपन, उन सुविधाओं का अपन भी उपभोग कर रहे हैं जो अमेरिका में है या जापान में है, ठीक है, क्योंकि यह सब किससे संभव हुआ, परिवहन और संचार के साधनों के द्वारा। अब इसमें सिर्फ परिवहन है, देश के सतत विकास में सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास देखने को मिला जिसके पश्चात देश में सुदूर क्षेत्रों तक यातायात क्षेत्रों का विस्तार हुआ एवं लोगों को इसका लाभ भी प्राप्त हुआ है। अब देखो आर्थिक विकास में परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है, औद्योगिक विकास के लिए तो परिवहन आवश्यक है, साथ ही परिवहन के साधनों से अन्य सभी क्षेत्रों में विकास को भी गति मिलती है। परिवहन प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी अत्यधिक उपयोगी होता है। स्थल जल व वायु परिवहन के साधनों के तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। अब परिवहन के साधन कौन कौन से हैं देखो, परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी वस्तु या सामान को पहुँचाना ही परिवहन के साधन के द्वारा संभव है, ठीक है। अब परिवहन के साधन कौन कौन से हैं, ये तीन प्रकार के हैं देखो। पहला है स्थल परिवहन, दूसरा है जल परिवहन और तीसरा है वायु परिवहन, ठीक है। अब स्थल परिवहन में कौन कौन से आ जाएंगे, स्थल परिवहन के भी तीन भाग हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और पाइपलाइन। सड़क मार्ग, रेल मार्ग और तीसरा है पाइपलाइन। ये हो जाएंगे स्थल के ऊपर जो परिवहन है वो। अब जल में आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन, जल में दो भाग हैं, आंतरिक जल परिवहन इसके ऐसे लिख देती हूँ, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन, दूसरा है समुद्री जल परिवहन। वायु परिवहन में देखो घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, इसके भी दो भाग हैं, घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय देखो। स्थल में सड़क मार्गों के द्वारा परिवहन किया जाता है, रेल मार्गों के द्वारा और पाइपलाइन। सड़क मार्ग और रेल मार्ग से तो परिचित हो ही, पाइपलाइन के द्वारा जैसे गैस का जो ये तेल है इसका इनका परिवहन पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। अब जल है, जल का आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल
सड़क परिवहन में क्या है कि जैसे ये जो छोटे जो जल स्रोत होते हैं ना तटीय क्षेत्रों में, उनसे जो आंतरिक जल परिवहन किया जाता है वो होता है, और समुद्री जल परिवहन जो एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाया जाता है वो समुद्रों के द्वारा जाया जाता है, वो समुद्री जल परिवहन हो जाएगा। अब वायु परिवहन में घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा में क्या जाएगा, जैसे भारत के अंदर ही जो विमान सेवाएं चलती हैं वो, जैसे दिल्ली से मुंबई चले गए, बेंगलोर चले गए, कलकत्ता चले गए, और अंतर्राष्ट्रीय में दूसरे देशों में जाने वाली सेवाएं, दूसरे देशों में जाने वाले विमान। अब घरेलू विमान में भी दो आ जाएंगे, सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी सेवा विमान सेवा। सार्वजनिक प्राधिकरण में क्या जाएगा, जो सरकार के द्वारा निर्मित है वो सार्वजनिक, और निजी विमान सेवा में किसी पर्सनल व्यक्ति के द्वारा जो विमान सेवाएं जैसे आजकल जो चल रही है ना वो डेवलप की हुई है वो आ जाएंगी। अब ये थे परिवहन के साधनों के प्रकार, आपको याद रखने हैं। अब अपन इनका कल एक एक का अध्ययन करेंगे, ठीक है, कल अलग से इनका, जैसे स्थल परिवहन का अध्ययन, फिर जल परिवहन का अध्ययन, वायु परिवहन।